बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत मजदूर दिवस के दिन धरने पर अपने आवास पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में बिहारी मजदूर फंसे हुए हैं और उन्हें बिहार लाने की मांग वो सरकार से कर रहे हैं। बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत अपने आवास पर सोशल डिस्टेंस बनाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे थे। बोधगया के विधायक ने कहा कि राजद के सभी विधायक अपने अपने आवास पर मजदूरों के हक की मांग व उनकी हक की लड़ाई की आवाज धरना के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं। पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए एक दिवसीय धरना पे हम लोग अपने के यहाँ बैठे हैं। वजह है कि आज मजदूर दिवस है और 28 लाख से ऊपर बिहार के गरीब गुरवा मजदूर अदर स्टेट में फंसे हुए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, बिहार के मुखिया का, कि जो लोग भी बाहर में फंसे हुए हैं वो सभी व्यक्ति जो है आज बिहार का 28 लाख मजदूर बिहार में भोजन के बिना तड़प रहे हैं। सरकार कहती है कि हमने कई मजदूरों को 1,000 रुपया बाहर में खाते में भेजा है। हम पूछना चाहते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और सुशील मोदी जी से कि जो मजदूर एक दिन में 500 रुपया का मजदूरी बाहर जा कर के करता है, उसके हिसाब से वह डेरा लेता है, उसके हिसाब से वह राशन लेता है, तो क्या एक महीने में 1,000 रुपया में बॉम्बे ऐसे शहर में, केरल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, केरला में क्या 1,000 में अपना भरण पोषण वो कर सकता है? आज का दिन बिहार के लिए और पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा कि हम लोग मजदूर दिवस मना रहे हैं और जो पूरे देश को अपनी कमाई से जो है लोगों का पेट भरता है वही मजदूर आज देश में भूखा रो रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके बिहार के लोग जो हैं जहां फंसे हैं आप उनकी जो है साधन मुहैया करा करके उनको जो है अपना बिहार में जो है लाने का प्रयास करें। और बहुत दुख के साथ कहना होता है कि सुबह से शाम तक सुशील मोदी, नीतीश जी लालू चालीसा पढ़ते हैं। आज अगर बिहार का मुखिया लालू प्रसाद यादव होते तो अपनी खून पसीना बहा करके सभी मजदूरों को पेट भरने का प्रयास करते। जो व्यक्ति गरीब का नेता होगा, जो व्यक्ति मजदूर का नेता होगा, वही गरीबों के सोच सकता है, वही मजदूरों के बारे में सोच सकता है। आज पूंजीपतियों की सरकार इस देश में है, इसलिए कोई गरीबों को देखने वाला नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द मजदूरों को वापस लाया जाए।